अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया के बारे में, जो कि अंडर ब्राइट स्कॉलरशिप पीएचडी के स्टूडेंट, अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप में, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, पीएचडी के कौन से डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है और कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट, इसका लिंक जो एप्लीकेशन का होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको सिंपली आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट बार आ जाता है इंट्रोडक्शन, कि इस स्कॉलरशिप का इंट्रोडक्शन क्या है। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, ये तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर पीएचडी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी स्कॉलरशिप के अंडर जो लेवल ऑफ स्टडी है वो है पीएचडी। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम जो है ना ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके अलावा जो स्पॉन्सरशिप पैकेज है, मीन के आपकी फंडिंग क्या की जाएगी, इसमें आपको स्टाइपेंड दिए जाएंगे 3500 RM, जो कि मलेशिया की करेंसी है, वो आपको फॉर ए पीरियड ऑफ 42 मंथ्स, ये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा पर मंथ के तौर पे। और उसके अलावा फी वेवर थ्रू आउट सेवन सेमेस्टर तक आपकी कोई जो फीस होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और उसके अलावा कोई भी पेमेंट रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ पासपोर्ट्स, इंश्योरेंस, वीज़ा, फ्लाइट टिकट्स, मेडिकल एग्जामिनेशन, एकोमोडेशन इज नॉट बी बॉन्ड बाई द यूनिवर्सिटी। और ये जो पेमेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, इंश्योरेंस, वीजा, फ्लाइट टिकट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड एकोमोडेशन, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको मंथली स्टाइपेंड और आपकी जो ट्यूशन फी या सेमेस्टर फी होगी वो बस बिल्कुल फ्री होगी। बाकी जो एक्सटेंशन अखराजात होंगे या एक्सपेंडिचर्स होंगे वो आपको खुद पे करने पड़ेंगे। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी कौन कौन सी, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं कौन कौन से फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 10 UM थ्रस्ट एरियाज आपको यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपके लिस्ट देख सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यू एनर्जी ट्रांजिशन, सेमी कंडक्टर एंड चिप्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल रोबोटिक रियलिज्म, स्पेस साइंस एंड न्यू इंजीनियरिंग स्पेक्ट्रम। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी फूड सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, कंप्रीहेंसिव मेडिकल एंड हेल्थ स्पेक्ट्रम एक्सीलेंस। उसके अलावा अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी असेट्स एंड इन्वेंट्री इनोवेशन इन क्रिएशन। उसके अलावा सोशल साइंसेस, एडवांस्ड इन इकोनॉमिक्स, स्मार्ट फाइनेंस, सोशल, इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड लॉ एंड जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम फॉर द नेशन एंड द वर्ल्ड। तो ये डिग्री प्रोग्राम है अप्रॉक्सीमेट 10 इन एरियाज में अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते जी एलिजिबिलिटी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होगी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 ईयर्स से ज़्यादा ना हो। उसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री और उसके बाद मास्टर डिग्री। बैचलर में आपके अप्रॉक्सीमेट जो CGPA होनी चाहिए 3.70 से अबव होनी चाहिए। उसके अलावा आपके मास्टर में जो CGPA होनी चाहिए वो भी एटलीस्ट 3.70 होनी चाहिए। उसके अलावा जो नॉन सिटीजनशिप होगी उसके लिए आप यहाँ पे IELTS, TOEFL, ये CFR आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके अलावा दी वैलिडिटी ऑफ इंग्लिश टेस्ट इज विद इन 2 ईयर, मतलब कि जो इनमें से टेस्ट जिन्होंने दिया हुआ होगा ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल IELTS, TOEFL या CFR, उनकी जो वैलिडिटी होगी वो 2 साल तक होगी, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एग्जिट रिक्वायरमेंट, कम्प्लीट द नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर PhD डिग्री प्रोग्राम। उसके अलावा मस्ट ग्रेजुएट विद सेनेट लेटर विद इन 7 सेमेस्टर और 42 मंथ्स। उसके अलावा पब्लिश 3 पब्लिकेशन इन जर्नल्स Q1, Q2 विद इन दी 7 सेमेस्टर, मेन के 7 सेमेस्टर के दौरान रिलेटेड टू थीसिस आपको 3 पब्लिकेशन भी सबमिट करनी पड़ेगी। उसके अलावा पेनल्टी विल बी इनक्योर्ड इन दी एग्जिट क्राइटेरिया इज नॉट मेट एट semester 9 or 54। अब इनमें से आपने कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो आपको यहाँ से एग्जिट जो क्राइटेरिया होगा उसमें आपको पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद थोड़े से नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाती है जी टर्म्स एंड कंडीशन, कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी एप्लीकेशन जो है ना कंप्लीट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे लिख कहता है कंप्लीट हिज स्टडीज एंड अप्रेंट सेनेट अप्रूवल फॉर द अवार्ड ऑफ ए PhD डिग्री विद इन 7 सेमेस्टर, कंडक्ट PhD रिसर्च एट UM कैंपस। उसके अलावा आपको UM जो उनका कैंपस होगा, मीन की यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया होगी, उसके कैंपस में आपको रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे गिव फुल कमिटमेंट इन कैरिंग और रिसर्च एक्टिविटीज़ आपको कम्प्लीटली जो है ना कैरी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सबमिट ए प्रोग्रेस रिपोर्ट, हर 6 महीने के बाद आपको जो आपकी रिसर्च होगी उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सबमिट करानी पड़ेगी।
उसके अलावा आपको जो क्रिटेरिया दिया जाएगा वो कंप्लीट करना होगा, एक्टिविटीज जो रिक्वायर्ड है वो भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी फॉर पीएचडी। उसके अलावा आपको अप्रॉक्सीमेट 3 पब्लिकेशन जो है ना जनरल Q1 एंड Q2 में पब्लिश करने पड़ेंगी। उसके बाद आ जाता है जी लास्ट में एप्लीकेशन प्रोसीजर, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो फॉलोइंग होंगे, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कंप्लीटेड UMS एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ पब्लिकेशन फर्स्ट पेज ओनली। उसके अलावा आप कॉपी ऑफ एप्लीकेंट आइडेंटिटी कार्ड, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फॉर मास्टर, उसके अलावा वैलिड IELTS TOEFL CFR सर्टिफिकेट, देयर इज नो मोर देन मीन के। उसके बाद आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें से अगर आपके पास IELTS है, TOEFL है या CFR है, आप ये अटैच करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, आपने उस पर क्लिक कर लेना है यहाँ पे सिंपली इस जगह पे। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका जो है ना पोर्टल यहाँ से ओपन होना शुरू हो जाएगा, आपने वेट कर लेना है तब तक यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है ना ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको आपने ओके पे क्लिक कर लेना है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने फिलअप करना है। यहाँ पे देखें जी, फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्म है जिसका ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप किया हुआ है, आपने इसी तरह से सेम अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। ये तमाम तरह इन्फो जिस तरह से ये फिलअप की गई है, ठीक है जी, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन डिक्लेरेशन देनी है, आपने यहाँ पे सिग्नेचर टाइप करना है, यहाँ पे डेट आपने मेंशन करनी है। उसके अलावा यहाँ पे जो सॉफ्ट कॉपी है आपने एप्लीकेशन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो कंप्लीट दर फॉर्म एंड अटैच रिक्वायरमेंट, ये एप्लीकेशन फॉर्म और इसके जो अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद सेव द कम्प्लीट फॉर्म, आपने PDF फॉर्मेट में तमाम तरह एप्लीकेशन को अटैच कर लेनी है और फाइल का आपने नेम लिखना है, फर्स्ट योर नेम, फिर स्पेस, उसके बाद UM ब्राइड्स, फिर स्पेस, फिर डेट, फिर मंथ ईयर। ये लिखने के बाद आपने अपनी फाइल का मतलब के रीनेम इस तरह से लिख लेना है। ये नेम लिखने के बाद आपने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एक ही PDF फाइल में बना के सॉफ्ट कॉपी की सूरत में, ये गिवन ईमेल है, इस ईमेल पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ठीक है जी। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन करने का तरीका। अगर आप PhD के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो घर बैठे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई इन्फो चाहिए तो यहाँ पे नंबर गिवन है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उनकी यहाँ पे वेबसाइट भी दी गई है, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ब्राइट स्कॉलर UM उनका ये जीमेल है, ये भी आप विजिट कर सकते हैं। कोई भी इन्फो यहाँ पे लेना चाहते हैं तो इस ईमेल को यूज़ करके आप इन्फो ले सकते हैं। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन करने का तरीका इन यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया ब्राइट स्कॉलरशिप फॉर PhD। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो घर बैठे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर PhD प्रोग्राम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।